अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्पाइसी फूड्स किचन। आज मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आज से पहले आपके साथ किसी ने शेयर नहीं की होगी। आज ये रेसिपी मेरे अब्बू जान ने बनाई है। इससे पहले मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चले तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीली में 1 कप ऑयल डालकर इसमें 1 कप प्याज डालकर लाइट ब्राउन कर लेते हैं। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें 1 कप कटा हुआ टमाटर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच खुश्क धनिया, इन सबको डालकर 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भून लेंगे। मसाला भूनने के साथ 2 से 3 सब्ज मिर्चें काट कर डाल देंगे। बैंगन जो कि हमने 1 केजी लिए हैं, इनको चारों तरफ से कट लगा लेंगे और इस तरह करके हम सबको कट लगा लेंगे। साथ ही मसाले में 1 चम्मच सोया सॉस ऐड कर लेते हैं। आलू जो कि हमने आधा किलो लिए हैं, इनको इस शेप में काट लेना है। जब मसाला भुन जाए तो इसमें बैंगन डालकर 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख दें। 20 मिनट बाद इसमें आलू ऐड कर दें और फिर से इसे 15 मिनट के लिए दम पे रख दें। 15 मिनट बाद इसे चेक कर लेंगे। जब आलू गल जाएंगे तो इसके दरमियान 2 अंडे डालकर ऊपर से थोड़ा जीरा और धनिया डालकर इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी आलू अंडे बैंगन वाली रेसिपी तैयार है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।